बोरैक्स, कॉमन नेम बाई बोरेट ऑफ सोडा. सो ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन इन नियरली ऑल कंप्लेंट्स, लगभग सभी कंप्लेंट्स में फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन होता है कि डाउनवर्ड मोशन से इसको डर लगता है. ग्रेट एंग्जाइटी फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन, मतलब डाउनवर्ड मोशन से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है. व्हेन लेइंग द चाइल्ड डाउन ऑन अ काउच और इन द क्रिब, जब बच्चे को जो है वो नीचे लेटाते हैं काउच में या क्रिब में यानी पालने में. क्राइज एंड क्लिंग्स टू द नर्स, तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, चिल्लाता है और नर्स से चिपक जाता है, चाहे मदर है चाहे कोई और है, बच्चे की केयर करने वाला पर्सन उससे चिपक जाता है. व्हेन रॉकिंग, डांसिंग, स्विंगिंग, गोइंग डाउन स्टेयर्स और रैपिडली डाउन हिल, तो जब हिल रहा होगा, हिल डुल रहा होगा, डांस कर रहा होगा, झूला झूल रहा होगा या फिर डाउन स्टेयर्स नीचे जा रहे हैं या तेज़ी के साथ नीचे जा रहे हैं, तो हर जगह ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन देखने को मिलता है. हॉर्सबैक राइडिंग में भी यहाँ पे सेनिकुला से कंपेयर किया जाता है. सेनिकुला में भी है ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन. चाइल्ड हेड स्ट्रॉन्ग, ऑब्स्टिनेट, क्राइज, किक्स, क्रॉस, इरिटेबल, क्विकली अल्टरनेट विद लॉटर, डज नॉट वॉन्ट टू बी टच्ड. तो सैनिकुला के बच्चे में भी ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन देखने को मिलता है. इसके अलावा ये बच्चा बहुत जिद्दी होता है, रोता है, लात मारता है, बड़ा क्रॉस एंड इरिटेबल है और क्विकली जो है वो ये इसका जो मूड है वो लॉटर में भी बदल जाता है, लेकिन कोई इसको छुए ऐसा इसको पसंद नहीं होता है. नेक्स्ट, चिल्ड्रन अवेक सडनली स्क्रीमिंग एंड ग्रैस्पिंग साइड्स ऑफ क्रैडल विदाउट एपेरेंट कॉज, तो बोरैक्स का बच्चा अचानक से उठ जाता है, अचानक से चिल्लाने लग जाता है और जो जिस भी बिस्तर पे वो लेटा हुआ है उसके जो साइड्स हैं उनको पकड़ लेता है बिना किसी एपेरेंट कॉज के. तो ऐसा एपिस, सीना और स्टेमोनियम में भी देखने को मिलता है. एक्सेसिवली नर्वस, इजिली फ्राइटेंड बाई द स्लाइटेस्ट नॉइज और एन अनयूजुअल शार्प साउंड, बहुत ज़्यादा नर्वस है, परेशान है, बहुत जल्दी फ्राइटेंड हो जाता है हल्के से भी नॉइज़ से या कोई अनयूजुअल सा शार्प नॉइज़ होता है, जैसे किसी ने खांस दिया, अ कफ, अ स्नीज और अ क्राई, किसी ने खांस दिया, छींक दिया, कोई रोया चिल्लाया. लाइटनिंग अ मैच, इवन माचिस की तीली जलाने से भी. सो ऐसा जो है वो SRM और कैलेडियम में भी देखने को मिलता है. हेयर बिकम्स फ्राउजी एंड टेंगल्ड, जो बाल हैं वो बड़े गंदे से हो जाते हैं और उलझ जाते हैं. स्प्लिट्स स्टिक्स टुगेदर एट टिप्स, तो ये स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ टिप पे. एंड इफ दिस बंचेज आर कट ऑफ दे फॉर्म अगेन, और ये जो बंचेज हैं इनको अगर आपने काट दिया तो फिर से बन जाएंगे. कैन नॉट बी कम्बाइंड, और इनको जो है वो कंघी करके और अच्छे से रखा नहीं जा सकता, ये अपने आप बनते रहते हैं. तो ऐसा फ्लोरिक एसिड में, लाइकोपोडियम में, सोराइनम में, ट्यूबरकुलाइनम में भी देखने को मिलता है. आईलेसेस लोडेड विद ड्राई गमी एक्सुडेशन, जो आईलेसेस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई गमी मतलब चिपचिपा एक्सुडेशन सिक्रीशन देखने को मिलता है. एग्लूटिनेटेड इन द मॉर्निंग, जो सुबह के टाइम में बिल्कुल चिपक जाता है, जम जाता है. एंड टर्न इनवर्ड एंड इन्फ्लेम द आई, और अगर आँख में लग जाता है तो उसकी वजह से आँख में इन्फ्लामेशन होता है. स्पेशली एट आउटर कैंथस, स्पेशली जो है वो जो ये आउटर लिड होती है आई की, आउटर बाउंड्री पे. टेंडेंसी टू वाइल्ड हेयर्स, और ऐसे बोरैक्स के पर्सन्स में, बोरैक्स के पेशेंट्स में वाइल्ड हेयर्स होने की टेंडेंसी होती है, जंगली लोगों जैसे बाल हो जाते हैं. नॉस्ट्रिल्स क्रस्टी, जो नॉस्ट्रिल है वहाँ पर खूब सारा म्यूकस निकलता है, म्यूकस ड्राई हो जाता है तो क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, इसके बाद फिर वो छूटता है तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है. टिप ऑफ नोज शाइनिंग रेड, जो टिप ऑफ नोज है ये लाल लाल चमकती है. रेड नोजेज ऑफ यंग वुमेन, यंग वुमेन में नोज रेड रहता है. स्टॉपेज ऑफ राइट नॉस्ट्रिल्स, जो राइट नॉस्ट्रिल है वो बंद हो जाता है. और फर्स्ट राइट देन लेफ्ट विद कॉन्स्टेंट ब्लोइंग ऑफ नोज, या पहले राइट बंद होता है फिर लेफ्ट बंद हो जाता है, उसके साथ साथ कांस्टेंट जो है वो नोज़ बहता रहता है. टोमोनियम कार्ब में, लैकेननम में और मैगम्यूर में ऐसा देखने को मिलता है. एपेथी इन द माउथ, मुंह में छाले पड़ जाते हैं. ऑन द टंग, इनसाइड ऑफ द चीक, जीभ पे छाले पड़ जाते हैं.
गाल का जो अंदर का एरिया होता है, वेस्टिबुलर एरिया, वहाँ पे छाले पड़ जाती हैं। ईजिली ब्लीडिंग व्हेन ईटिंग और टच्ड, तो जब भी छूते हैं या खाना खाते हैं तो बड़ी जल्दी वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है। प्रिवेंट्स चाइल्ड फ्रॉम नर्सिंग, अब छोटे बच्चे में अगर एपथी है तो बच्चा दूध नहीं पीता है। विद हॉट माउथ, क्योंकि बच्चा दूध पीने की कोशिश करेगा तो उसको दुखेगा, इसलिए बच्चा दूध नहीं पीता है। मुंह जो है अंदर का एरिया पूरा गर्म रहता है, ड्राइनेस एंड थर्स्ट, ड्राइनेस रहती है बहुत ज़्यादा, सलाइवेशन कम होता है, प्यास ज़्यादा लगती है, आर्सेनिक में भी ऐसा देखने को मिलता है, ड्राइनेस एंड थर्स्ट। क्रैक्ड एंड ब्लीडिंग टंग, जो टंग है वहाँ पे क्रैक पड़ जाते हैं, दरारें सी पड़ जाती हैं और ब्लीडिंग होती है, ऑरम में ऐसा देखने को मिलता है। सलाइवेशन स्पेशली ड्यूरिंग डेंटिशन, और दांत निकलने के समय पे बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होता है। एपेथस सोर माउथ, मुंह में छाले पड़ते हैं, मुंह दुखता है। इज वर्स फ्रॉम टच, छूने से दिक्कत बढ़ती है। ईटिंग सॉल्टी और सोर फूड, अगर नमकीन खाना खाता है या खट्टा खाना खाता है तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। ऑफ ओल्ड पीपल ऑफन फ्रॉम प्लेट ऑफ टीथ, बूढ़े लोगों में, और अक्सर ये जो टीथ का प्लेट है, जो लेवल है टीथ का, वहाँ से लगा के पूरे में होता है, ऐसे ही एल्यूमेन में भी देखने को मिलता है। चाइल्ड हैज़ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड स्क्रीम्स बिफोर यूरिन पासेस, बच्चे को बार बार यूरिनेशन होता है और यूरिन पास होने से पहले वो चिल्लाने लग जाता है, तो लाइकोपोडियम में, सेनिकुला में, सार्सोप्रिला में ऐसा देखने को मिलता है। ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया कैसा है इसमें, बोरेक्स में प्रोफ्यूज अल्बुमिनस, पहली बात तो ल्यूकोरिया बहुत ज़्यादा है, अल्बुमिनस यानी वाइटिस है, स्टार्ची जो गाढ़ा चावल का माड़ होता है ना, स्टार्च वैसा ही होता है। विद सेंसेशन एज इफ वार्म वाटर वर फ्लोइंग डाउन, और ऐसा सेंसेशन आता है जैसे गर्म पानी नीचे बह रहा हो। फॉर 2 वीक्स बिटवीन द कैटामेनिया, कैटामेनिया टर्म है मेंसेस के लिए, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के बीच में 2 वीक्स तक ये रहता है। यहाँ पे कंपेयर किया जाता है बोविस्टा और कोनियम को, तो बोविस्टा में मेंसेस एवरी 2 वीक्स, डार्क एंड क्लॉटेड, यहाँ पे मेंसेस जो है वो हर 2 हफ्ते बाद जो है वो मेंसेस आ जाते हैं, डार्क रहते हैं, क्लॉटेड रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ जो सिक्रीशन का करेक्टरिस्टिक है वो कैसा होता है, सिक्रीशन वेरी टफ, स्ट्रिंगी, टेनेसियस, ऐसा यहाँ पे सिक्रीशन रहता है, जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन है उनका जो डिस्चार्ज है वो टफ, स्ट्रिंजी और टेनेसियस होता है। नेक्स्ट आते हैं कोनियम के बारे में, कोनियम में जो ल्यूकोरिया है इट हैपेंस 10 डेज आफ्टर मेंसेस, मेंसेस के 10 दिन बाद होता है, एक्रिड होता है यानी दुखता है टच होने पे, ब्लडी मिल्की, या तो ब्लड कलर का होता है या वाइट कलर का होता है, प्रोफ्यूज मेंसेस, थिक इंटरमिट्स। तो इसके साथ साथ मेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, थिक होता है। सो स्किन अनहेल्दी, स्लाइटेस्ट इंजरी सेपरेट, स्किन कैसा रहता है, बोरेक्स के पेशेंट में अनहेल्दी होता है, छोटी सी भी इंजरी कोई होती है तो वहाँ पे सेपरेशन हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसा कैलेंडुला में, हेपर सेल्फ में, मरकरी में और साइलिशा में देखने को मिलता है। रिलेशंस की बात करें, सो बोरेक्स फॉलोज वेल कैल्केरिया, सोराइनम, सेनिकुला, सल्फर, एंड बोरेक्स इज फॉलोड बाई आर्सेनिक, ब्रायोनिया, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस एंड साइलिसिया। बोरेक्स इज इनकम्पैटिबल, तो बोरेक्स को कभी भी जो है वो एसेटिक एसिड, विनेगर और वाइन के पहले या बाद में नहीं देना चाहिए। एग्रीवेशन की बात करें, तो एग्रीवेशन यहाँ पे डाउनवर्ड मोशन से देखने को मिलता है, सडन या स्लाइट नॉइज से, स्मोकिंग से, विच में ब्रिंग ऑन डायरिया, और तो स्लाइटेस्ट नॉइज से, स्मोकिंग से डायरिया हो सकता है। डैम्प कोल्ड वेदर से एग्रीवेशन है, यूरिनेटिंग से पहले एग्रीवेशन होता है। एम्लूरिएशन प्रेशर से, होल्डिंग पेनफुल साइड विद हैंड, पेनफुल साइड को अगर हाथ से पकड़ लेगा, रोक लेगा तो एम्लूरिएशन होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कमेंट द टॉपिक्स यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ ऑन होम्योपैथी।